बेटा मुझे वो लाल रंग की नलकी ला कर देना। जी अम्मी। अरे साथ कमरे में रखी हुई है। अच्छा मिली नहीं? बिल्कुल निकम्मा है ये लड़का, कुछ भी नहीं। अगर मुझे मिल गई ना। अभी नहीं है ना यार। रुक जाना अभी। कहाँ है यहाँ पे? क्या है? रसमलाई नहीं, मोटरसाइकिल नहीं। नलकी है ना सामने रखी हुई, नलकी नहीं दिखाई देती। मैडम तुम भारी उम्र की थी ना, तो पैदल ईरान चली जाएगा तुम्हें, तो तुम्हें सामने रखी हुई नलकी नहीं दिखाई देती। नालायक इस कदर हो तुम्हें, मैं तुम्हें क्या बोलूं। मैं जब तुम्हारी उम्र की थी ना, तो टीचर मुझसे ट्यूशन पढ़ने आया करते थे। तुम्हें पैदा करने से तो बेहतर था मैं कोई कुत्ता पाल लेती। खैर बाबू तो तुम भी बहुत ज्यादा करते, लेकिन वो कोई काम तो करते थे ना मेरा। अंधी औलाद पैदा करती, सारा दिन गेम्स खेलते रहते, सारी रात फोन पर लगी रहती, अपनी उस माँ से बातें करते रहते, अपनी इस माँ के लिए तो तुम्हारे पास बहुत है नहीं। बिल्कुल बेकार औलाद पैदा करती मैंने, अंधी औलाद पैदा करती, नलकी नहीं दिखाई देती मैं। Zap ka scene ye ki ek app hai, you guys download this and you can order anything from there. You know how different online marts work, it's similar to that, but like it's stuff for your pets. And ye dekhen, ye jo itni pyari si hoodie hai na, this beautiful hoodie that Piku is wearing, this is also from Zap. And we have all sorts of treats, we have like collars, and we have different kinds of like toys. So in a nutshell, download that and fulfill all your pet needs. जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आदिल शेख फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल मैंस नॉटी। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? सब खैरियत है? आज हम लोग जो सेलिब्रिटी देख रहे हैं उनका नाम है आगा मुस्तफ़ा हसन। नए एक्टर हैं, अभी 2016 से इन्होंने अपना आगाज़ शुरू किया है। कराची में, सिंध में पैदा हुए, नेशनलिटी इनकी पाकिस्तानी है। और इन्होंने जो अपना वो संगे मरमर ड्रामा 2016 में, उन्होंने इसमें गौहर का रोल अदा किया था, वहाँ से इन्होंने अपना एक्टिंग कैरियर का आगाज़ शुरू किया था। और अब ये फिर उसके बाद नीली जिंदा है, इन्होंने जो है हॉरर सीरीज़ थी उसमें काम किया। और फिर काफ़ी इन्होंने यानी के अच्छे। अब ये इनकी अपकमिंग वेब सीरीज़ जो है वो आ रही है, जिसका नाम है मन जोगी। उसके बाद इन्होंने फिल्मों में भी काम किया, जिसमें इनकी 2022 में दम मस्तम, अब मेरे ख्याल से पता नहीं ये आ गई है आनी है, मुझे अभी पता नहीं। फिर उसके बाद टेलीविज़न संगे मरमर ड्रामा का जो शुरू किया, उसमें इन्होंने गौहर का, हम टीवी पे बड़ा ही फेमस ड्रामा था, बहुत अच्छा पठानों का ड्रामा था, मैंने खुद देखा, बहुत ही अच्छा ड्रामा था। फिर उसके बाद मोरे सैयां, फिर उसके बाद 2017 में पिंजरा, फिर उसके बाद 2018 में दे इजाज़त, फिर उसके बाद 2018 में मोहब्बत हम टीवी पे, 2018 में बंद खिड़कियां, ये भी हम टीवी का था। 2018 में विशाल, ये ARY डिजिटल का ड्रामा था। फिर उसके बाद 2019 में कैसा है नसीबा, ये भी ARY डिजिटल का ड्रामा था। फिर 2019 में महबूब आपके कदमों में, ये हम टीवी का था। फिर उसके बाद 2020 में कहीं दीप चले, ये जियो का ड्रामा था। फिर उसके बाद नीली जिंदा है, जो कि मैंने आपको बताया हॉरर ड्रामा था, ARY डिजिटल का ड्रामा था। उसके बाद मेरे अपने 2021 में ARY डिजिटल में, उसके बाद दौर उस जियो एंटरटेनमेंट का ड्रामा, उसके बाद सिला मोहब्बत हम टीवी का ड्रामा। इसी तरह इन्होंने 2021 में एक थी मरियम, ये इनकी फ़िल्म थी, जिसमें इन्होंने
फ्लाइट इंजीनियर का रोल अदा किया था और इनकी 2021 में थी मूवी। फिर उसके बाद उन्हें जो वेब सीरीज़ है वो 2021 में जो है अभी ये अपकमिंग है मन जोगी, अभी ये मेरे ख्याल से अपकमिंग है ये या आ गई अभी, इसका मुझे कुछ सही तरह आइडिया नहीं है, लेकिन बहरहाल काफ़ी अच्छे एक्टर हैं और काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया है। और आपने मुझे इनका बताना है कि आपको ये कैसे एक्टर लगते हैं, नए एक्टर हैं, आपको इनकी एक्टिंग कैसी लगती है, ठीक है। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और तब वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और तब तक के लिए आदिल शेख की तरफ से अल्लाह हाफिज़।